News 18, India. आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बड़ी खबर, किसान दिल्ली कूच पर फिर से अड़ गए हैं। किसानों ने केंद्र सरकार का 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी का प्रस्ताव नहीं माना है। किसानों के साथ पिछली बैठक में केंद्र की ओर से किसानों को 5 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी का प्रस्ताव दिया गया था। केंद्र के प्रस्ताव पर बात न बनने के बाद किसानों ने कल देर रात एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, यानी कल फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे किसान। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि 5 फसलों पर जो एमएसपी है, जो सरकार की तरफ से उसके लिए गारंटी दी गई है, वो प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है। और पिछली बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था और कहा यह भी जा रहा था कि सकारात्मक तरीके से ये बातचीत हुई है। ये बात किसानों ने भी कही थी और केंद्र सरकार के जो 3-3 मंत्री गए थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि बहुत अच्छे माहौल में, सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है और लगता है कहीं ना कहीं बर्फ पिघलेगी। लेकिन कल देर रात बैठक हुई किसान संगठनों की और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि 5 फसलों पे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी की बात सरकार कर रही है, वो प्रस्ताव सरकार का किसानों को मंजूर नहीं है, लिहाजा वो दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। पंढेर ने कहा कि सरकार के पास फैसला करने के लिए 21 फरवरी तक का वक्त है। ये ऐलान कर दिया गया है उनकी तरफ से। पंडित हमारे साथ हैं, क्या हुआ कि आप लोग सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, वो प्रस्ताव जिसमें ये कहा गया था कि 5 फसलों पर सरकार एमएसपी गारंटी देगी आपको? देखिए, उस प्रस्ताव में बहुत सी समस्याएं थी, तो माननीय मंत्री महोदय ने जो बोला कि हम इसके ऊपर 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे, तो जो अभी स्टडी आई है, जो अन्य बुद्धिजीवियों बोल रहे हैं भी अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाए तो ये 23 की 23 फसलों पे इतना खर्च भी नहीं आएगा। तो आप 5 फसलों पे इतना पैसा लगा रहे हैं तो 23 पे लीगल गारंटी कानून बना दें। अच्छा। दूसरा वो बोल रहे हैं अगर धान गेहूं जो किसान छोड़ेंगे वो इसमें आएंगे, तो पहले जो ये फसलें बो रहे हैं तो वो अपने आप इससे बाहर हो जाएंगे। अब पाम ऑयल जो सरकार 1,75,000 करोड़ से बाहर से मंगवाती है, अगर लीगल छोटी घंटी कानून बना दे, ये पैसा हमारे ऊपर लगा दे, बाहर से पैसा भी बचेगा और किसान भी खुश होगा। अब सरकार की नीति पे संदेश होता है, इसलिए हमने ये प्रस्ताव रद्द कर दिया। कितने संगठन इसके समर्थन में थे, कितने विरोध में आए, क्या बातचीत के दौरान क्या निकला? नहीं, कोई भी विरोध में नहीं है। सबने वो सबकी जो मुझे रिपोर्ट है, हमारे 200-250 संगठन है, सबों ने मिलकर कहा कि ये प्रस्ताव उचित नहीं है। तो उचित प्रस्ताव केंद्र को लाना चाहिए। चारों बैठकों के दौरान ये हुआ कि आप भी पॉजिटिव थे, सरकार भी पॉजिटिव थी, भगवंत मान, उनके चीमा जी, उनके कृषि मंत्री सब पॉजिटिव थे, फिर नेगेटिव न्यूज क्यों सुनने को मिल रही? आप लोग के लिए पॉजिटिव हो सकती है ये न्यूज, लेकिन अब मोर्चा तो बैठा रहेगा सड़क पर। देखिए, ये तो मंत्री जी को पूछना चाहिए, मीटिंग के अंदर आदमी प्रदास होता और जब पीसी में जाके अलग बात बोलते, तो वो बात में फर्क तो पड़ेगा ही। हम तो आज भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। आखिरी सवाल ये कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली कूच करेंगे, 21 तारीख को ही कूच करेंगे, 19 को फैसला ले लिया है, 20 को कूच कर जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं, 20 को नहीं करेंगे, 21 का समय है। केंद्र के आप गेंद केंद्र के पाले में, उन्होंने कहा हम भी दिल्ली जाके अन्य मांगों के ऊपर, जैसे कर्ज माफी की बात है। तो आप सरकार को 21 फरवरी तक का समय दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल। तो सरवन सिंह पंडित जी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं सरकार को 21 फरवरी तक का समय दे रहे हैं, सुबह 11 बजे तक का नहीं, अगर सरकार उनकी मांग मानती है तो ये किसान आंदोलन दिल्ली की तरफ कूच करेगा। आज तमाम किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, इन दोनों ही मोर्चों ने यह तय किया है कि सरकार ने जो 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी की बात कही थी, उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों ने कहा कि उस कानून में हमारे लिए, माफ कीजिएगा, उस प्रस्ताव में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मैं मानव यादव, न्यूज 18 इंडिया, शंभू बॉर्डर। तो सरवन सिंह पंढेर को आपने सुना, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि 5 फसलों पर जो एमएसपी की बात हो रही है, गारंटी की बात हो रही है, वो उन्हें मंजूर नहीं, यानी 23 से कम मंजूर नहीं है उन्हें। तो आखिर 5 फसलों पर ही गारंटी की बात क्यों सरकार की तरफ से कही गई, जरा वो समझाने की कोशिश करें। तो बात दरअसल ये है कि पंजाब में धान की खेती से नीचे चले गए भूजल स्तर में सुधार लाने की एक तरह से कोशिश होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कम पानी में उगने वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने की कोशिश की जाएगी, दूसरा पॉइंट ऐसे में ये है। उसके अलावा दालों के साथ मक्का और कपास की खेती को भी बढ़ावा देने की एक तरह से कोशिश होगी। धान की खेती से
हटने वाले किसानों को एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव जो है वो रखा गया। उसके अलावा पंजाब में बंजर हो रही जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने की एक तरह से कोशिश होगी, तो लिहाजा 5 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात सरकार की तरफ से कही गई है। लेकिन अभी किसान नेता सरवन सिंह बढ़ेर को आपने सुना, देर रात ये तमाम संगठन इकट्ठे हुए और उसके बाद उस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि अगर 23 फसलों पर जो एमएसपी गारंटी की बात वो कर रहे हैं वो नहीं माना गया सरकार के द्वारा, तो वो दिल्ली कूच करेंगे। और कल 11 बजे तक, 21 तारीख को 11 बजे तक का वक्त दिया गया है, अगर सरकार ने उस वक्त तक कुछ नहीं किया तो वो दिल्ली कूच करेंगे। बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही थी, जो 4 बैठकें हुई 2 बैठकें बेनतीजा रही, लेकिन तीसरी बैठक और फिर जब चौथी बैठक हुई तो उसके बाद मंत्रियों को हमने सुना, 3-3 मंत्री केंद्र सरकार की तरफ से गए थे, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा थे और किसान नेता थे सरवन सिंह बंढेर और दल्लेवाल, ये तमाम लोग थे। लेकिन भगवंत मान भी थे पंजाब के सीएम, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान निकलता हुआ अब नहीं आ रहा। मानव यादव लगातार पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं शंभू बॉर्डर से, जहां किसान डटे हुए हैं। मानव, अभी आप सरवन सिंह बंढेर से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ ये कह दिया कि 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही थी, आपने किसान नेताओं से बात की, हमने मंत्रियों को भी सुना, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सकारात्मक माहौल में हो रहा है, लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई है। पेच कहां फंस गया है आकर? देखिए, जब चौथे दौर की बैठक हुई थी पंकज, तो उसमें चाहे पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री हों, उनके कृषि मंत्री हों, देश के 3 केंद्रीय मंत्री हों या फिर 14 किसान नेता हों, सभी ने बैठक के बाद ये कहा था कि बहुत ही सकारात्मक रूप से ये बैठक हुई है, सभी बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे थे। किसान नेताओं ने भी कहा कि सरकार का जो प्रस्ताव है हम उस पर अपने बाकी दूसरे संगठन जो है उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद 1 से 1.5 दिन में ही सरकार के सामने अपना पक्ष रख देंगे। लेकिन जिस तरीके से कल किसान नेताओं ने इस पूरे प्रस्ताव को खारिज किया, जिसमें 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी की बात सरकार ने की थी 5 साल तक के लिए, तो उससे एक बात साफ झलकती है कि किसान ये लगातार किसान नेता ये कह रहे हैं कि जो हमने मांगा उसके उलट सरकार ने हमें दिया है और सरकार जो हमको दे रही है वो हमारे किसी काम का नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जितना खर्चा 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी देकर करेगी उतना ही खर्चा सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी देकर भी उतना ही खर्चा आएगा। तो ये दावा किसान नेता कर रहे हैं। इनकी तरफ ये भी कहा गया कि सरकार 1,75,000 करोड़ का पाम ऑयल इम्पोर्ट करती है और उतना ही पैसे में आप सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी दे सकते हैं। तो एक तरीके से तकरार जो शुरुआत में हम 13 तारीख को देख रहे थे, तो हम कहीं ना कहीं उसी जगह पर आके आज खड़े हुए हैं। मानस, सरकार की तरफ से जो तर्क दिए गए थे, यानी किस तरह से जो देश का बजट है वो कितना है, रक्षा बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर कितना खर्चा आता है, आम आदमी की जेब पर कैसे बोझ बढ़ जाएगा, उसका क्या जवाब मिलता है इनकी तरफ से? देखिए, बैठक में तो क्योंकि किसान नेता और केंद्रीय मंत्री होते हैं, लेकिन किसान नेताओं ने यह कहा कि बैठक के भीतर कृषि मंत्री द्वारा यह बताया गया कि 1,35,000 करोड़ का खर्च 5 फसलों की एमएसपी गारंटी पर आएगा। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए किसान नेता ये कह रहे हैं कि अगर सभी फसलों पर आप देते हैं तो इनका आकलन ये कहता है कि 1,75,000 करोड़ का खर्च आएगा। लेकिन अगर आप देखें तो किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि बैठक के अंदर सरकार ने कुछ और कहा, बाहर आकर मीडिया के सामने कुछ और कहा, तो इस तरीके से एक तरीके से आरोप भी सरकार के ऊपर लगाया गया है। पिछली बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से किसान नेताओं को ये भी समझाया गया कि किस तरीके से कितना मुश्किल है सभी फसलों पर एमएसपी देना, क्योंकि सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी 2018 में ये कहा था कि ये बहुत मुश्किल है, सरकार के ऊपर बहुत ही वित्तीय बोझ आ जाएगा और सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी नहीं दी जा सकती। पंकज, बिल्कुल, तो केवल एक दिन है यानी आज ही का दिन है और किसानों की तरफ से साफ ये कह दिया गया है, जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है यानी 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी की बात सरकार कर रही है, वो किसान संगठनों को मंजूर नहीं है। 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी की बात वो कर रहे हैं, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और अगर सरकार उनकी मांगे आज तक नहीं मानती, कल 11 बजे तक का वक्त है, उसके बाद वो दिल्ली कूच वापस से करने की तैयारी कर देंगे।